अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बेफिक्र घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट टीकाकरण करा चुके लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। हाल ही में एक अध्ययन में खुलासा हुआ, स्वदेशी कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोविड टीका लगवाने के बाद संक्रमक नहीं होगा। वहीं अब नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने हाल ही के शोध में दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमित नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैक्सीन केवल ये सुनिश्चित करती है कि संक्रमण का असर गंभीर नहीं होगा। 63 लोगों पर किया गया अध्ययन। एम्स ने अपने इस अध्ययन में टीकाकरण के बाद कोरोना संक्रमित हुए 63 लोगों को शामिल किया था। इनमें से 36 को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी और 27 को केवल एक डोज लगी थी। इन सभी में भारत में पहचान हुए कोरोना के नए वेरियंट डेल्टा की पुष्टि हुई। हालांकि खबर अच्छी है कि इसकी रोकथाम में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन असरदार बताई जा रही है। हाल ही में हुए शोध में खुलासा हुआ है कि कोवैक्सीन कोविड के खतरनाक वेरिएंट बीटा और डेल्टा वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान करती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।